हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द विलेज गाइस डबल ए। होप आप सब ठीक ही होंगे। आज का वीडियो कुछ इस तरीके का है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हाँ, मेरा बचपन से एक आदत था कि कॉइन कलेक्ट करना, जैसे कि करेंसी जो है दूसरे देश का, आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया का ही पुराना पुराना जो नोट होता है, जो कॉइन्स होता है वो कलेक्ट करना। तो आज हम वही दिखाने वाले आप लोगों को कि मेरे पास क्या है, कैसा है, किसका, कौन सा देश का है और क्या क्या है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसे प्यार बनाए रखिएगा, और जो इस चैनल पर नया है तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का दिन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर देख सकते हैं। आज का दिन ऐसा है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है करेंसीज जो नोट में है और ये है यहाँ पर है कॉइन्स। चलो आपको पहले आप लोगों को हम दिखाते हैं ये नोट। ये है नेपाल का 1 रुपया और ये है इंडिया का पहले का 1 रुपया। यहाँ पर लिखा है, देखिए, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया, 1 रुपया देख सकते हैं, ये भी 1 रुपया ये। और दोनों में कलर डिफरेंस देखिएगा, इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, इसका थोड़ा लाइट है, देख सकते हैं कलर डिफरेंस दोनों का। ये दोनों 1 रुपया इंडिया का है और ये है इंडिया का 2 रुपया, इसका भी देख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा ज़्यादा डिजाइन बनाया गया है और इसमें थोड़ा सा पिंक कलर में ये थोड़ा सा, और ये भी इंडिया का ये, और ये भूटान का 1 रुपीस, ये देख सकते हैं यहाँ पर भूटान का 1 रुपीस कुछ इस तरीके का है, भूटान का 1 रुपीस, और ये भूटान का 10 रुपीस देख सकते हैं, भूटान का 10 रुपीस जिस तरीके का है, और इंडिया का 5 रुपीस। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये देखा ही होगा, ये तो ऐसा है 5 रुपीस, ये भी देखा ही 10 रुपीस, और ये नेपाल का 5 रुपीस, ये देख सकते हैं आपका नेपाल का 5 रुपीस। पीछे ऐसा कुछ याक और माउंटेन बना हुआ है, ये भी नेपाल का 5 रुपीस, और ये नेपाल का 10 रुपीस देख सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ बना है, यहाँ पर डियर है, ये नेपाल राष्ट्रीय बैंक 10 रुपीस, और नेपाल का 20 रुपीस देख सकते हैं, नेपाल का 20 रुपीस 20 रुपया, और ये पीछे से ऐसा दिखाई देता है ये, और ये देख सकते हैं आप इंडिया का 10 रुपीस। इतना अच्छे से बनाया गया था, इसको देखिए, इसका डिजाइन देखिए, टेक्सचर देखिए, और ये देखिए, ये भी इंडिया का 10 रुपीस है, ये देख सकते हैं, ये भी वही है, ये 10 रुपीस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये उतना पुराना नहीं है, फिर भी पुराना है लेकिन उतना पुराना नहीं है। ये है इंडिया का 20 रुपीस नोट, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते डिजाइन। और ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेंट्रल बैंक, अरब का ये 5 दिरान, 5 दिरान है ये, देख सकते हैं। और ये है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान का 100 बैसा है, देख सकते हैं ऐसा है कुछ इस तरीके का है। और यह है भूटान का 20 रुपीस, रॉयल मॉनेस्ट्री अथॉरिटी ऑफ भूटान, सॉरी, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान 20 गुल्ट्रम। और ये आपका कतार का, कतार सेंट्रल बैंक 1 रियाल, ये देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और ये कतार का 1 रुपीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पूछना पता नहीं, लेकिन कतार का ये देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल, कतार सेंट्रल बैंक लिखा है। और ये आपका अरब का है, ये 10 दिरान है। और ये बैंक सेंट्रल
कॉन्गो, कॉन्गो का पे, कॉन्गो का है 100। सेंट फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस का है ये 100, देख सकते हैं 100 लिखा 100। ये द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डॉलर, $1 है मेरे पास। इंडिया का 50 रुपीस आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, पार्लियामेंट हाउस ये भी वही है। और ये है हमारा इंडिया का पहले का 100 रुपीस, जो कुछ इस तरीके का है, ऊपर दिखाई दे, देख रहे हैं आप लोग। ये तो हो गया नोट, अब हम दिखाएंगे आपको कॉइन्स कैसा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कॉइन्स भी ये रेडी कर चुकी है कि कर चुके हैं। अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि इंडिया का पहला कैसा था, उसके बाद बाद में दूसरे देश का दिखाएंगे। सबसे पहले इंडिया का 2 पैसा, यहाँ पर देख सकते हैं 2 पैसा। ये 2 पैसा ऐसा था, और या उसके बाद 10 पैसा कुछ इस तरीके का था, देख सकते हैं इस तरह का था। और ये भी 10 पैसा है, लेकिन इसका जो आगे का वो जो लिखा हुआ था वो मिट गया है, ये 10 पैसा। और ये 10 पैसा छोटा वाला जो छुटकू सा है, ये भी 10 पैसा ही है इंडिया का। और ये 25 पैसा इंडिया का, देख सकते हैं 25 पैसा इंडिया का। और ये है इंडिया का 50 पैसा, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का है 50 पैसा छोटू सा। उसके बाद ये और 50 पैसा है बड़ा वाला, साइज में थोड़ा बड़ा था ये, देख सकते हैं ये 20 पैसा तो देख चुके आप। और 20 पैसा भी ऐसा था, ये देख सकते हैं इसका पीछे कुछ इस तरीके का है। और 20 पैसा मेरे पास बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, देख सकते हैं। और साथ में ये इंडिया का 1 पाइस, देख सकते 1 पाइस, ये 1950 में बना था ये कॉइन्स, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का था। ये भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिट चुका है। और ये 25 पैसा इंडिया का, इसमें राइनो था, राइनो था पीछे ये था। और ये है 50 पैसा इंडिया का, देख सकते हैं यहाँ पर मुट्ठी किया हुआ ऐसे, इसका मतलब आधा शायद, यहाँ पर तो वैसे ही बनाया गया है पीछे कुछ इस तरीके का था। और ये पुराना वाला 50 पैसा देख सकते हैं यहाँ पर, पुराने वाला इस तरीके का था। और मेरे पास है 1 रुपये का, एक तो ये है इसके पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का था। और एक ये है ऐसा वाला, और ये एक ऐसा है इसके पीछे कुछ इस तरीके का है। और एक ये है कुछ इस तरीके का है ये, और एक ये अभी इसके पीछे भी कुछ इस तरीके का है। और ये हो गया, और 2 रुपये, ये 2 रुपये का सिक्का देख सकते हैं। और ये 5 रुपीस बड़ा वाला, इतना बड़ा था पहले का 5 रुपीस, देख सकते हैं ये भी 5 रुपीस, इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू का फोटो है। और 5 रुपीस यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 रुपीस इंडिया का, इसके पीछे कुछ इस तरीके का है। और ये 5 रुपीस इंडिया का, इसके पीछे कुछ इस तरीके का है। और ये 5 रुपीस इसके पीछे भगत सिंह का है। और ये 5 रुपीस इसके पीछे यहाँ पर है कुछ इस तरीके का। और ये 5 रुपीस इसके पीछे इस तरीके का है। ये तो होगा 5 रुपीस। अब आप दिखाएं, आपको दिखाएंगे यहाँ पर
इंडिया का ये न्यू 10 रुपीज़ डॉलर कुछ इस तरीके का है, 10 रुपीज़ डॉलर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, और ये 20 रुपीज़ का डॉलर कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं 10 और 20 रुपीज़। और हमारे पास यहाँ पर नेपाल का 10 पैसा है, और ये पता नहीं ये कहाँ का है लेकिन मेरे पास है, लेकिन कहाँ का वो पता नहीं मुझे, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बार फिर से दिखाएंगे ये कहाँ का होगा ये कॉइन्स, एक बार देख के अच्छे से, अगर आपको पता है ये कहाँ का है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको भी पता चले कि ये कॉइन कहाँ का है, किसका कौन से कंट्री का है। और ये भूटान का, द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, ये 25 पैसा है वहाँ का, ये भी सेम, ये भी सेम तीनों। और ये गवर्नमेंट ऑफ भूटान का 1 रुपया ये गवर्नमेंट ऑफ भूटान का, ये है अरब का 50 पैसा, ये 1 पैसा अरब का, एक दिरान बोलते हैं एक दिराम। और ये है फिलीपींस का, एक 1 रुपीस देख सकते हैं फिलीपींस का, बैंकॉक। उसके बाद यहाँ पर है नेपाल का 1 रुपये देख सकते हैं, यहाँ पर नेपाल का 1 रुपये, और ये भी है नेपाल का 1 रुपये, और ये है नेपाल का 2 रुपये 2 रुपीज़ 2, और ये भूटान का 1 रुपीज़। यही सब है मेरे पास कि अलग अलग देशों का करेंसीज और कोइंस, कोइंस तो मेरे पास बहुत कम है लेकिन इंडिया का ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का 2 पैसे से लेकर अभी न्यू 10 20 रुपीज़ का वो कोइंस तक है मेरे पास, और देख सकते यही सब है मेरे पास अभी, ये अमेरिका का हुआ आप लोगों को दिखाई दिया, जितना मेरे पास था वो आप सबको ही हमने दिखा दिया कि मेरे पास क्या क्या था। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये जो पीछे आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर स्केचेस है वो सब हमने बनाया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितना भी हमने बनाया है उसका फ़ोटो भी हम उसका वीडियो बना के हम आप लोगों को डालेंगे, तो उसको भी आप लोग प्यार दीजिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द विलेज गाइस AA। थैंक यू फॉर वॉचिंग।